डबल ट्रिपल कहने वाला स्टॉक आज मैं आपको चुन के दिखाने वाला हूँ। एक यूनिक फार्मूला अप्लाई करना है जिससे आपको पता चलेगा कि किस स्टॉक में एक बड़ा उछाल आ सकता है। तो कम समय में मल्टीवेगा स्टॉक चुनने का एक यूनिक तरीका आज मैं बताने वाला हूँ। मैं हूँ राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एट प्रोटेक्ट में। तो दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो बताते हैं कि इस शेयर्स में एक ब्रेकआउट आया है, आप इसे खरीदिए। और आप जब ब्रेकआउट के बाद खरीदते हैं और पता चला कि जब आपने खरीदा तो स्टॉक नीचे जा रहा है, लोग बड़े एक्सपर्ट जो होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जब प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं एक यूनिक आइडिया बताने वाला हूँ जिससे मैं चुनता हूँ ऐसे स्टॉक को ब्रेकआउट आने से पहले। तो इसमें मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक खरीदा था, नवंबर में मैंने एक लिया था पॉलिट का शेयर 195 पे। तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, 195 पे खरीदा था और इसमें एक बहुत बड़ा मूव आ रहा है। अब भी हर दिन वो अपर सर्किट पे जा रहा है। क्यों जा रहा है, मैंने कैसे उस स्टॉक को सेलेक्ट किया था, फिर ऐसे ही मैंने दूसरा स्टॉक मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा कि किस तरह से इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया और उससे पहले मैंने उसे आइडेंटिफाई किया। और अभी एक स्टॉक जो कि ब्रेकआउट आने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने वाला, आपका शेयर प्राइस डबल होने वाला है बहुत ही कम समय में। मतलब ये कि अगर आप कम समय में आप मल्टीवेगा रिटर्न चाहते हैं तो उसका एक फार्मूला बताऊंगा। मल्टीवेगा शेयर सेलेक्ट करने के बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं, लेकिन मैं जो आज तरीका बता रहा हूँ वो थोड़ा अलग तरीका है, थोड़ा यूनिक तरीका है और शायद आपने पहले कभी किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं देखा होगा। तो इस ये हर मल्टीबैगर के स्टॉक्स के लिए नहीं है, लेकिन कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कम टाइम में आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। एक बड़ा ब्रेकआउट आने से पहले उसे आइडेंटिफाई करने का तरीका है ये। तो आज जो मैं मल्टीबैगर स्टॉक सेलेक्ट करने का जो यूनिक तरीका बताने वाला हूँ, इसे आप बोल सकते हैं आईपीओ ट्रिगर। मतलब एक कंपनी का आईपीओ जब आता है तो उसके कारण दूसरे कौन सा कंपनी है जो कि जिसका कि स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट आता है। तो ऐसा ही मैंने यूज़ किया था पार्लेट में, जब बोट हेडफोन का जब आईपीओ आने वाला था तो आईपीओ उन्होंने जब सेबी फाइल किया तो उससे पहले ही मुझे जब पता चला कि बोट कंपनी अपना आईपीओ ला सकती है तो उसका जो इक्विवेलेंट कंपनी, उसका कंपटीटर कंपनी जो अच्छे कंपनी थी पार्लेट, उसका मैंने शेयर 195 पे खरीदा था। और जैसे ही इसका आईपीओ का न्यूज आया, बोट का आईपीओ का न्यूज आया, तो इसके वैल्यूएशन के कारण उस पार्लेट का भी वैल्यूएशन ऊपर गया और उसमें हर दिन अपर सर्किट आ रहा है। तो चलिए, इसमें तो थोड़ा लेट हो गया, अभी भी हालांकि खरीद सकते हैं पार्लेट, लेकिन इसी तरह से मैंने एक दूसरा स्टॉक सेलेक्ट किया है। दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक्स की बात करने वाला हूं उसको मैंने लेके आया फार्मा एंड आरएनडी सेक्टर से। तो आरएनडी सेक्टर में एक कंपनी होती है सीआरओ। सीआरओ का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये करती क्या है, तो आप कोरोना काल में देखे होंगे कि जब वैक्सीन रिलीज हुई थी तो उसका पहले एक क्लिनिकल टेस्ट किया जाता है। तो उसी तरह से जितने भी मेडिसिन रिलीज होता है, फार्मा कंपनी जितने भी मेडिसिन रिलीज करते हैं उससे पहले उसका एक क्लिनिकल टेस्ट होता है। तो ये जो सीआरओ कंपनी है उसका क्लिनिकल ट्रायल करती है और अपना रिसर्च रिपोर्ट देती है। तो ऐसी कंपनी से मैं दो कंपनियों का आज जिक्र करूँगा, जिसमें कि एक कंपनी है बीडा क्लिनिकल रिसर्च, दूसरा है जीवन साइंटिफिक। तो बीडा रिसर्च कंपनी जो है उसका अभी आईपीओ आया नहीं है, अभी लिस्टेड कंपनी नहीं है, उसका अभी आईपीओ आने वाला है, उससे किस कंपनी को फायदा होगा। तो आज मैं जो दूसरी कंपनी बताने जा रहा हूँ इसका नाम है जीवन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एक क्लौता कंपनी है, इंडिया में लिस्टेड कंपनी है सीआरओ स्पेस में, और ये स्मॉल प्लेयर है। कंपेयर अगर करें बीडा से तो ये थोड़ा सा कम स्मॉल है, लेकिन इसका वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि मुझे क्यों अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जैसा कि मैं यहाँ आप देख सकते हैं कि बीडा क्लिनिकल जो है, जिसका आईपीओ आने वाला है, उसका रेवेन्यू है इस फाइनेंशियल ईयर में 234 करोड़। और मैं जो जीवन साइंटिफिक की बात कर रहा हूँ वो थोड़ी छोटी कंपनी है, लेकिन इसका जो रेवेन्यू है वो है 40 करोड़। और अगर पिछले चार क्वार्टर का अगर देखें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 57 करोड़ इसका रेवेन्यू होगा और इसका नेट प्रॉफिट होगा 15 करोड़ का। और जो बीडा का जिसका आईपीओ आने वाला है उसका नेट प्रॉफिट है 62 करोड़ का। और उसका मार्केट कैप ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, जो अभी आईपीओ का प्राइस तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन जो आईपीओ का प्राइस आएगा तो इसका जो वैल्यूएशन होगा 3000 से 4000 करोड़ का वैल्यूएशन होगा। और अगर अभी देखिए जीवन साइंटिफिक का जो मार्केट कैप है, अभी जो करंट प्राइस है, आज का प्राइस है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका 191 रुपीज़ है। तो उसके हिसाब से इसका जो मार्केट कैप होगा वो होगा 292 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 300 करोड़ का वैल्यूएशन है। तो जब बीडा का आईपीओ आएगा 3000-4000 करोड़ के वैल्यूएशन पे, तो तब लोगों का नज़र आएगा
जीवन साइंटिफिक के वैल्यूएशन पे, इसका वैल्यूएशन जो कि अभी बहुत कम है, अंडर वैल्यूड कंपनी है, 300 करोड़ है, इसका भी वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा कि जब वीडा क्लिनिकल का जब 3000 का मार्केट कैप का वैल्यूएशन होगा तो उसका पी होगा अराउंड 60-70 का। तो जीवन साइंटिफिक का देखें जो कि ओनली लिस्टेड कंपनी है सीआरओ में, उसका अगर वैल्यूएशन देखें तो अगर इसका वैल्यूएशन इंक्रीज होगा क्योंकि एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, तो इसका पी अगर बीडा का 60-70 होता है तो इसका भी 30-35-40 पी तो आ ही जाएगा। तो मतलब ये कि अगर इसका 30 पी भी लें तो अभी जो 191 का शेयर प्राइस चल रहा है उसका प्राइस बढ़ के हो जाएगा 300 रुपीज। मतलब जब बीडा का आईपीओ आएगा तो उसके वैल्यूएशन के कारण इसका वैल्यूएशन भी इंक्रीज होगा, और इसका अगर 30 का पी लेते हैं तो 300 रुपीज़ इसका शेयर प्राइस होगा, और अगर इसका 50 का पी लेते हैं तो 500 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब अभी 191 का स्टॉक्स में पूरे चांसेस है 500 रुपीज़ पहुँचने का। और जब जैसे ही बीडा का आईपीओ फाइल होगा, सेविंग फाइल होगा, अभी तक तो लोगों को नज़र में नहीं है, लेकिन जैसे ही बीडा अपना सेविंग में आईपीओ फाइल करेंगी तो उस समय लोगों को नजर आएगा और इसमें एक ब्रेकआउट आएगा और ये आराम से 300-500 तक जा सकता है। ऐसा ही हुआ था फॉलरेड में। तो मैं आपको थोड़ा फंडामेंटल बता दूं तो जीवन सेंट्रल का, तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ग्रोथ ट्रेंड है पिछले 3 साल का देखें तो 32% है, 5 ईयर्स का देखें तो 22% है। आप इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो जो लास्ट 4 क्वार्टर का अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 274% का होगा। अगर इसका CAGR देखें तो लास्ट 1 ईयर्स में 297% है, और अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो लास्ट इसका 40% रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही है, हर सेक्टर पे हर तरह से आप देखें तो इसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। अब इसमें पॉजिटिव ट्रिगर क्या है, तो जैसा मैंने बताया कि बीडा क्लिनिकल रिसर्च का जब IPO आएगा तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि IPO फाइल कर रही हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन, अगर इसका बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता है और इसका जो वैल्यूएशन होगा उसका इफेक्ट आएगा। और अब इसका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, अगर आप इस IPO ट्रिगर को निकाल भी दें, इसका जो फंडामेंटल है वो आपको 30-50% रिटर्न दे सकता है आपको लॉन्ग टर्म में बहुत आसानी से। अब मैं बताता हूँ निगेटिव क्या हो सकता है, अगर अभी हम इसे 191 पर खरीदते हैं और अगर बीडा रिसर्च का जो IPO आता है तब तो ठीक है, लेकिन IPO नहीं आया या IPO आएगा लेकिन थोड़ा लेट होगा, अगर लेट हो गया तो आपको लंबे समय तक इसे होल्ड करना पड़ सकता है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और दूसरा ये है कि जो बहुत सारे टेस्टिंग एजेंसी होती है जैसे USFDA होता है, वो बीच बीच में जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है CRO कंपनी है इस पर आकर के वो रिसर्च करती है, उसका टेस्ट करती है वो सही काम करेगा नहीं करेगा, तो उसका जो रेटिंग होता है उससे भी थोड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। तो इसे देखना पड़ेगा वो क्या रेटिंग देती है, अगर कुछ टेस्ट करती है तो क्या होता है, वो एक रॉन्ग हो सकता है अगर नेगेटिव रेटिंग दिया किसी कारण से। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट है। तो अभी मेरा जिस तरह से मैं पॉलेट में खरीदा था, और मैं आपको एक और कंपनी बता दूं, एक और एग्जांपल बताता हूं जिस तरह से मैंने पॉलेट करके उसका एक और एग्जांपल बताता हूं कि कुछ समय पहले नवंबर में मेट्रो ब्रांड का जो फुटवेयर है उसका IPO आया था, और जिस समय IPO आया था उसी समय उसके जो कंपटीटर कंपनी है मिर्जा इंटरनेशनल, उसका प्राइस शेयर प्राइस चल रहा था 60 रुपीज। जैसे ही उसका IPO आया, मेट्रो का IPO आया, उसके वैल्यूएशन के कारण मिर्जा इंटरनेशनल का शेयर 60 रुपीज से 160 रुपीज पहुंच गया। तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया, बहुत बड़ा उछाल आया, और जब उछाल आया तब तो बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे थे कि इसमें और जाएगा, लेकिन अगर इसको अगर IPO के पहले पहचान लिया जाता, IPO में पहले पैसा लगाता तो आपको 150 का रिटर्न सिर्फ 2 महीने में 150% का रिटर्न मिल जाता। तो इसी तरह से मैंने खुद पॉलरेट में, मैंने अपना प्रूफ दिखा रहा हूँ कि मैंने पॉलरेट में 195 में खरीदा था, अभी 300 के ऊपर अपर सर्किट पे जा रहा है, उसी तरह का अपर सर्किट जिस दिन बीडा रिसर्च का IPO फाइल होगा उसके बाद से जीवन साइंटिफिक में भी, जो कि इसका कोड है GSTL, इसमें भी एक अच्छा उछाल आएगा और आप 191 रुपीज़ का शेयर में आराम से 500 रुपीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। मतलब अगर अभी IPO फाइल करते हैं तो 3-4 महीने में उसका IPO आएगा, तो 5-6 महीने के अंदर आपका 191 का स्टॉक आराम से 500 रुपीज़ क्रॉस कर सकता है। तो ये मेरे पोर्टफोलियो में है और मैं अभी इसमें और भी एक्वायर कर रहा हूँ, ये मेरा डिस्क्लोजर है। और ये जो मैंने प्रोसेस बताया है, ये जो तरीका बताया IPO ट्रिगर, इसी तरह से आप बहुत सारे स्टॉक्स आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको पता चले कि किसी कंपनी
में अगर वो IPO लाने का प्लान कर रहे हैं, IPO करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप उसी सेक्टर के दूसरे फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी को आप सेलेक्ट करें जो कि लिस्टेड कंपनी है, और उसमें एनालिसिस करके उसमें पैसे लगाएंगे। तो जब IPO आएगा उस कंपनी का, एक न्यू कंपनी का IPO आएगा, तो उसके वैल्यूएशन से इसका वैल्यूएशन पे कितना इम्पैक्ट आएगा, ये आप देख करके आप एक ब्रेकआउट आने से पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जो कि मुझे लगा कि शायद किसी और ने अभी तक वीडियो नहीं बनाया, तो मैं सोचा कि चलो आपको बता दूं। आप खुद एक फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी में मल्टीबैगर कंपनी का आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इसी तक और भी वीडियो चाहते हैं, तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। धन्यवाद। जय हिंद।